समाचार। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष कांग्रेस के ढेर सारे नेताओं ने जो किया, आज सपताह स्थित अटल बिहारी वाजपेयी भवन में एक योगदान कार्यक्रम में 100 से भी अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में जो किया। उल्लेखनीय आज के इस कार्यक्रम में योग देने वालों में से हम जनरल लंकासा भी है एवं इसके साथ साथ लाल सिंह हाथीकाली के कांग्रेस नेतागण शामिल थे। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर साहित्य परिषद के CM देवलाल गोलोसा, चेयरपर्सन रानू लंकासा, BJP असम प्रदेश के फलिंद्र नाथ शर्मा, भारतीय जनता पार्टी दिमाहासा जिला सभापति धनानंद हाउसन, कार्यवाही सदस्यगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। हम लोग का फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और एंशियंट ऑटोनॉमस काउंसिल का XEM श्रीमान उनके बाद जितने भी अभी ज्वाइन हुए सब कांग्रेस का है। संदेश फोंगलो जी, उनके बाद नौलित फोंगलो जी, सोजीत फोंगलो जी, हेमंत जी जोहरी जी, रमेश जोहरी जी, फोलमो जोहरी। मैं जब BJP छोड़कर कांग्रेस में गया था, मैं सोचा था कांग्रेस में अच्छा होगा और वहाँ मुझे वाइस प्रेसिडेंट भी दिया था। मैंने 3 साल का ऊपर कांग्रेस में बैठा, देखा कि यहाँ का इंजन ठीक नहीं, थोड़ा रास्ता आगे बढ़ता है पेट डिरेल हो जाता है दबा सौ क्यों, इसलिए कि हमारा जो अभी का जो हमारा नहीं अभी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी का जो चलाता है निर्मल लंकासा जी, वो कोई उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल कानून नहीं है। एग्जीक्यूटिव मेंबर मीटिंग बैठ के कैसे बैठेगा, ऑफिस बिहार मीटिंग बुलाने से ऑफिस बिहार का सब सब किशोरी बना लेता है और कोई डिसीजन लेने में घर में जो उनके सामने जो दाइयाँ का लड़का उन लोग को लेके डिसीजन लेके काम चलाता है। इन सब के बारे में मैंने बहुत बार उनको बोला, रिक्वेस्ट किया था मीटिंग करने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या होता है, ऑफिस बिहार का मीटिंग किस तरह से होना चाहिए, इन सब का मैंने बहुत बार डिस्कस किया। लेकिन हम लोग हम नमोर भाई रही BJP के हम लोग पानी फाइनी बैठी बहुत दुख जैसे गाड़ी को गाने का लाख हाई निकले सुबो हाजी को लेन बाबू को बुरी का बहुत फाइनी लू फाइनी बहुत के लाख छिपे क्यों जिंग खेल जब गाड़ी आबो हाजी मुझे बनने BJP मैं गए अब कॉग्रेस मैं गए दूंगा इन मैंने मैं गए दूंगा जो आंगला मना कराव की भी इच्छी बनवा जी भी जिन्ना दूंगा इम थे थर मैं कुछ ना रजाब रजाब नाम ना लाने पुलिस सूची जा बसाई दूंगा तो दिन दुआम आम BJP आं ये लागा आगे BJP आम जू थे आम खराब काम करके गया किसे किया बोलने से विदाउट इंफॉर्मेशन हम लोग का लांगटिंग का इंचार्ज जो प्रवेश कैम्भराई जी वो एक्स कैंडिडेट था कांग्रेस का, उनको भी जानकारी नहीं दिया और मंडल के हिसाब से भी हमको जानकारी नहीं दिया। खाली ये बात नहीं बोल के सारे हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस वर्कर लोग को भी जानकारी नहीं दिया, तो 2-3 बार किया छुप छुप के लांगटिंग में हम लोग निर्मल आया बोल के सुना, लेकिन दिखने नहीं मिला और चेहरा दिखने नहीं मिला, तो किधर इधर उधर उन लोग घुस के सिगरेट बात करके वो
उसको बाद में कांग्रेस का कैंडिडेट भी हुआ रहा, तो हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो उसका सोच पीछा और जो काम करने वाला, उसका जो काम करने वाला होने वाला भी नहीं दिमा हासों में, इसलिए हम लोग विचार किया दादा लंथा जी हम जानून और मैंने डिसीजन ले लिया जो हम लोग का जो अभी का जो बीजेपी का जो जितना कैंडिडेट है सीएम बोलो और जितना ईएम है और जितना अभी बीजेपी का तरफ से जो काम किया दिमा हासों में जो हम लोग का गौरलोसा जी उसके नेतृत्व में जो दिमा हासों में काम किया वो लोग उसको हम लोग बहुत अच्छा लगता, इसलिए हम लोग डिसीजन लिया कांग्रेस का तरफ से जो हम लोग कहते से ये सब काम होने वाला नहीं, इसलिए जो हम लोग सोच विचार वो लोग से ज़्यादा मिलता और जो जितना आगे जो आने वाला कांग्रेस का तरफ से जो विचार किया वो लोग से हम लोग सोच विचार नहीं मिलता, इसलिए हम लोग विचार करके आज का दिन में जो बीजेपी में हम लोग ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे वादा जो दिया रहा उसको हम लोग वादा निभाए, तो इसलिए बोलने वाला तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो हम लोग का चार्ज बाहर में जाएगा इसलिए ज़्यादा बात नहीं बोलेगा। जो आज में जो लिस्ट देने वाला आज जो लिस्ट देने वाला वो लोग लेके आया रहा 202 लॉन्थिंग का तरफ से और हाथीकाली से 74 वो लोग लिस्ट दिया रहा लेकिन वो लोग आसाम में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मणिनाथ शर्मा भी शामिल हुआ है। तो हम लोगों का 2021 इलेक्शन के लिए हम लोग अभी काम करना शुरू कर दिया। हम आशा करते हैं कि आसाम विधानसभा में 126 में सबसे अच्छा पार्टनरशिप में हम लोग लेकर आएगा, क्योंकि वो भी जरूरी है कि आसाम में सबसे हम लोग को माया करने वाला अभी बीजेपी पार्टी और सर्वानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत किशोर शर्मा जी के सरकार में हम लोग ज़्यादा माया मिला है, डेवलपमेंट भी मिला है, इसलिए हम लोग सबसे अच्छा वोट हासिल जिसमें दिमा हासिल से हम लोग सिखाने के लिए प्लान कर रहे हैं। और आज में जो ज्वाइनिंग हुआ कांग्रेस का लीडर्स लोग रात में यहाँ पे हुआ इसी पर और भी ज्वाइन करने के लिए है रामजानंद लंकासा जी और उसका साथ में मंडल प्रेसिडेंट लांगटिंग का जोगिन जोहरी और उसके बाद में प्रोग्रेस कैम्प्राइ दुर्जुन फाउसेन और भी उनका वो भी नेता है और भी ज्वाइनिंग करने के लिए बातचीत चल रहा है। हम लोग आशा है मोदी जी को विश्वास करके बीजेपी पार्टी को विश्वास करके और असम का चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जी डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी को विश्वास करा और हम लोग भी और भी दिल भी भरा हुआ और हम लोग ग्रुप लेके कांग्रेस से हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया अच्छा लगा आपका दिन में क्यों हम लोग कांग्रेस से बीजेपी में क्यों ज्वाइन हुआ उसको थोड़ा हम बताने वाला। देखिए कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का टाइम है, आगे जो कांग्रेस चला किया है हम लोग पुनेंदु का टाइम से प्रणन का टाइम से उसका टाइम में भी हम लोग यूथ कांग्रेस का हम सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। उसके बाद राहुल गांधी का टाइम में जो यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ रहा तो इलेक्शन होके लोकसभा जनरल सेक्रेटरी भी बना, उसके बाद में हमारा इंचार्ज बोकाजान इंचार्ज भी रहा, तो इसलिए पार्टी में हम लोग चलाए के कांग्रेस को भी जिताई की जाएगा। तो उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का सेक्रेटरी भी रहा, उसके बाद लॉन्गटिंग इंचार्ज का जो लॉन्गटिंग का जो पब्लिक है वो लोग को साथ में हम मिलजुल है बोल के हमको लोग इंचार्ज लेके गया। उसके बाद में हम लॉन्गटिंग में खड़ा हुआ, खाली लॉन्गटिंग से जो हम कांग्रेस से खड़ा हुआ कांग्रेस कैंडिडेट खाली हम हार गया वो बात नहीं, सारा दिमा हासों में सब भी कांग्रेस हार गए, इसलिए उसको बाद में भी जो बीजेपी जो एज पहले जो बीजेपी रहा हेमंत लंकासा उसको बाद में एजीपी में ज्वाइन किया वो भी
और एजीपी से ज्वाइन होने के बाद फिर कांग्रेस में आया, ठीक है आया, अच्छा लगा। लेकिन वो लोग हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्रेटरी लोग है और जो मार्केटिंग फंक्शंस का जो हेमंत का ग्रुप है, वो लोग एक बार नहीं दो बार नहीं चार पांच बार वो लोग हमको बिना इंफॉर्मेशन से लोग मीटिंग भी किया रहा। इसलिए पार्टी का नियम ऐसे नहीं है बोल के हम बहुत खराब लगा। अब ठीक है वो लोग जो कांग्रेस का तो कांग्रेस ऑफिस में नहीं गया हम कम से कम चार पाँच महीना है गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कांग्रेस का जो निर्मल अंक से अंदर में जो हम करेगा। अब लोग मालूम है निर्मल अंक सर क्या चीज़, निर्मल अंक अगर वो इंजन बनने से लगता तो इंजन किस तरह दवा को कैसे खींचेगा इस तरह नहीं करता। वो अपना खानदान का साथ में जो जुड़ा हुआ कितना तो लड़का लोग को लेकर चलेगा, और कांग्रेस का अपना करप्शन को नहीं सोचते, दूसरा को ज़्यादा चलाता है। निर्मल लांते सर खुद एक करप्शन है डेरिंग इस वो जो कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनने से पहले जब कंट्रेक्टर करता था उसका कंट्रैक्ट देखिए कहाँ कहाँ काम, ये तो मुझे तो मालूम है आप लोग को भी मालूम है। कभी बोलता कोरियन रोड बनाएगा, कभी बोलता ऑल पोस्ट ऑफिस को चलेगा फाइव फाइव फोर वे टू वे रास्ता बनाया जाएगा, आज तो भी हम लोग गाड़ी चलाने नहीं। इवन के आपका जो नया जो कोर्ट बनाया इन बिटवीन लैटिन का तब तो कुत्ता भी जाने नहीं सकता है कि नहीं। तो इन सब को लेके मुझे अच्छा नहीं लगता निर्मल, और जो भी प्रेसिडेंट होगा कंडाली वही उसी फैमिली से जो सोचेगा वही होगा, और प्लस एमएलए भी वही होगा, बाद में सीएम भी मंगाएगा वो काउंसिल में, जैसे कि राहुल गांधी, जैसे कि सोनिया गांधी, जैसे आपने बहुत बोला फोनी कुमार जी सी एम भी तब तो बोला ए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कभी भी नहीं छोड़ेगा हम, वो जो बोलेगा वही फाइनल। ये निर्मल लंका साहब बोलिए आपका नेशनल लेवल में सोनिया गांधी बोले राहुल गांधी बोले, आप लोग सोच रहे राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा तो मैं तो आज भी फोनी शर्मा बोला मैंने तो गूगल में फरते फरते थक गया। आपका जैसे कि आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस का वरिष्ठ नेता साहब में, और जो वकील था क्या उन लोग मतलब 23 टॉप लीडर्स प्रेसिडेंट चेंज करने के लिए बुलाने के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा, उसमें उन लोग नाराज हो गया, उन लोग बीजेपी के आदमी बोलते उन लोग क्या कहना करना शुरू कर दिया। तो अभी गुलाम नबी आजाद से लेके सब जो वरिष्ठ नेता लोग कांग्रेस छोड़ने के रास्ता में, तो कांग्रेस जीतने का सवाल ही नहीं है अभी कांग्रेस टूटने के लिए। अभी देखिए आप पहला जो किया सिंधिया को किया किया मध्य प्रदेश में, सिंधिया का भी थाईलैंड किया वो चलाई गया थोड़ी है गवर्नमेंट। अभी आपका देखिए राजस्थान सचिन पायलट का साथ में क्या हो रहा है, अभी भी वो वहाँ पर छूटने वाला है, अभी कोई सिर्फ बता के रखा लेकिन छूटने वाला है। कांग्रेस दिमासा एरिया में बहुत बहुत कमी मिलेगा, लेकिन क्रिश्चियन एरिया में एक्चुअली अभी तक हम सर्वे नहीं किया कांग्रेस का लिए भी और बीजेपी के लिए, तो अभी अपने फिर नया हमें तो नया धन। लेकिन मेरा ख्याल में जो भी अभी बीजेपी में ईएम है ईएम से वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा ही तो मिलेगा कांग्रेस में, बीजेपी का तो देखिए हम लोग अभी भी नहीं निकला, हम लोग जस्ट लॉन्चिंग तक पहुँचने में अपना करवा दिया और वोट लिस्ट भी दिया हुआ है उन लोग जॉइन करना नहीं करता हम लोग आने नहीं करना। कांग्रेस तो हार मतलब 20 का 25 का आसपास में आ गया, आप लोग में भी वोट आ जाएगा क्योंकि कांग्रेस काम नहीं करा बल्कि तो आपने ही वोट दिया। बीजेपी का हम बोला जो
अभी बीजेपी फुल स्टीम काम कर रहा था, अभी दो साल नहीं हुआ तो इसमें कितने काम करेगा। आपको रास्ता देखिए कांग्रेस का टाइम में क्या हालत था, आप के लॉन्चिंग के रिजल्ट भी पूरा खत्म ही कर दिया है। आप बोलेगा जब हम थोड़ा दिन के लिए हम ईएम का एक ही पोर्टफोलियो लेते हैं, उसमें जो बहुत कलंकारी है कांग्रेस के पैर में, हम जो हमको जो हटा दिया उसके बाद में जो 6.79 लाख आप लोगों का कम्पेंसेशन का हमें काम, ये भी अगर इंक्वायरी किया रहेगा तो बहुत कुछ वो हमने बनाया, लेकिन मुझे तो हटा दिया बाद में उसको पैसा लेके, तो गंदगोल हुआ, CBI घुस गया, NIA घुस गया, लेकिन वो उसी चीज़ को तो वो लोग नहीं निकला, लेकिन बहुत कुछ है ये कांग्रेस के पीरियड में किया। अब कांग्रेस जो इंक्वायरी कराया ओनली SGC पीरियड से कराया, SGC पीरियड मतलब उन लोग का आदमी जो रूल किया था उसी पीरियड से किया। अगर कांग्रेस पीरियड का आदमी अगर इंक्वायरी करेगा बहुत कुछ निकाल गया, ठीक है ना। तो आपके सवाल ही नहीं है जब कांग्रेस इतने MLA में जीतने के लिए, पहले जो हम लोग का परसेंटेज MP में तो बहुत अच्छा परसेंटेज बोला कांग्रेस, तो अभी तो और भी बांटते जाएगा, हम लोग आने के साथ में और भी बांटते जाएगा, वो देखिए हम लोग का हम लोग को बुलाएगा, हम लोग फिर मौका मिलेगा बैठने के लिए। तो इसलिए कांग्रेस के जीतने का कोई सवाल ही नहीं, वोट 4% वोट मिलेगा उन निर्मल तो बोलने से तो कोई दिमाशा बांटी अच्छे से मालूम नहीं, इन सब भी कुछ सारे प्रॉब्लम है उनका, आप लोग मालूम है हम लोग का सोसाइटी में जाके वो कुछ मिल नहीं सकते, मिलने नहीं सकते, कुछ मिलने की कोशिश करने से भी हो गाँव का आदमी लोग का प्रोडक्टिव है जारी मानते हैं, तो सबका विषय से भी उनका बहुत वीकनेस है। और साथ में हम लोग छोड़ने के बाद में और भी देखिए और भी बहुत कांग्रेस है आने वाला, ये तो 100% असम प्रदेश के साधारण संपादक फणीन्द्रनाथ शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ काउंसिल गेस्ट हाउस में एक बैठक की, जिसमें बीजेपी की महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ आने वाले चुनाव के बारे में भी आलोकपात किया। न्यूज़ बैरल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं रोशिला आपसे विदा लेती हूँ।